दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम अजय कुमावत है और आज मैं 15 वोल्ट की एक स्ट्रीट लाइट को रिपेयर करने वाला हूँ। इस स्ट्रीट लाइट के अंदर जो प्रॉब्लम है वो इसकी एलईडी जो है वो ख़राब हो गई है। कुछ एलईडी डिम हो गई है और कुछ एलईडी पे डॉट पड़ गया है, यानी वो बंद हो चुकी है। अब यहाँ आपके पास दो ही तरह के सोल्यूशन है, या तो आप इसकी MCPCB जो होती है उसे रिप्लेस कर दीजिए, दूसरा ऑप्शन होता है या इसकी एलईडी को चेंज कर दीजिए। यदि आपके पास इस साइज़ की MCPCB अवेलेबल हो तो वही कीजिए, क्योंकि वह एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है। पर यदि आपके पास अवेलेबल ना हो और इसकी एलईडी चेंज करना एक सरल उपाय रहेगा। यदि आप इसकी एलईडी चेंज करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी वोल्ट की एलईडी लगी हुई थी, दूसरी चीज़ कितने वोल्ट की एलईडी लगी हुई थी और इसका करंट क्या होगा। तो इसके ड्राइवर के ऊपर ये मेंशन किया होता है। और दूसरी तरीके से आप इसके वोल्टेज को और एलईडी यदि कोई चल रही हो उसको चेक करके आप पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन से वोल्ट की एलईडी लगी हुई थी। तो यही चीज़ें मैंने इसके अंदर की है।
जैसे कि आप लोगों ने इस पूरे वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह से मैंने इसका एक 15 वोल्ट की स्ट्रीट लाइट की एलईडी को रिप्लेस करके इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी जैसी है, एक तो आपको एलईडी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सीरीज पैरेलल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और ड्राइवर का वोल्टेज किस तरह से चेक करते हैं वो, जैसे कि सेम पहले एलईडी को चेक किया उसका वोल्टेज क्या होगा वो देख लिया, दूसरा ड्राइवर का जो वोल्टेज क्या आउटपुट वोल्टेज अपने को ओपन सर्किट में मिल रहा है वो, फिर बाद में मैंने इसी चीज़ को रिपीट करके एलईडी को आइडेंटिफाई कर लिया कि इसके अंदर 9V की एलईडी लग जाएगी। यदि आपके पास इससे अलावा दूसरी एलईडीज हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, बस उसमें आपको अपने ड्राइवर को चेंज करना होगा उस बेस यानी उस स्पेसिफिकेशन के आधार पर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के जो एलईडी रिपेयरिंग के जो वीडियोस हैं मैं लाता रहूँगा, और आने वाले वीडियोस के अंदर मैं एलईडी ड्राइवर, इनके सर्किट डायग्राम और ये पूरा जो कॉन्स्टेंट करंट का जो ड्राइवर किस तरह से वर्क करता है वो सभी मैं बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग रिपेयरिंग के वीडियोस और न्यू प्रोजेक्ट्स के वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बनाते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।